गुरु प्रकाश जी के पास आता हूँ। गुरु प्रकाश जी, क्या एक तरफा इतिहास दिखाया जा रहा है या एक तरफा आतंकवाद पढ़ाया जा रहा है? नहीं नहीं देखिए, ये वैचारिक दोहरापन जो है, ये इसकी आलोचना करता हूं मैं। अब JNU एक इंस्टीट्यूशन है, एक यूनिवर्सिटी की अपनी ऑटोनॉमी होती है, अपनी स्वायत्तता होती है। उसकी एकेडमिक काउंसिल में डिस्कशन और डायलॉग के बाद यदि किसी ऑप्शनल कोर्स को पारित किया गया है तो उसकी आलोचना मेरे समझ से परे है। अभी आशुतोष जी की बातों को हम सुन रहे थे, भारत सरकार ने तो ऐसा नहीं किया है। देखिए, भारत सरकार की अफगानिस्तान के संदर्भ में भी प्राथमिकता क्या है? प्राथमिकता ये है कि वहां अपने जो लोग फंसे हुए हैं उनको वापस कैसे लेकर के आना है। बहुत लोग को हम वापस लेके आ गए हैं, और भी लोगों को वापस लेके आना है। अब स्थिति ऐसी है कि वहां तालिबान अभी शासन में है, तालिबान व्यवस्था को नियंत्रित कर रहा है, तो उनसे तो बातचीत करनी पड़ेगी। और उसको आप इस प्रकार से बोल रहे हैं कि हमने उसको लेजिटिमाइज कर दिया, ये ठीक नहीं है। हमें इस प्रकार से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत पुराना कथन है कि देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज, देयर आर परमानेंट इंटरेस्ट। और भारत अब अपने हितों की रक्षा करना चाहता है, तो इन दो चीजों को जोड़ करके देखना मैं गलत मानता हूँ। और रेडिकल इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, इस्लामिक कट्टरपंथ, ये आज की तो बात है नहीं। हम और हमारा संगठन पिछले कई दशकों से इसकी बात कर रहा है। और आशुतोष जी कह रहे हैं कि बौद्ध धर्म, अरे भाई, बौद्ध धर्म की स्थापना पीस, नॉन वायलेंस और कोऑपरेशन भी हुई थी, और इस्लामिक कट्टरपंथ का ही प्रभाव था कि अफगानिस्तान में बामियान में बुद्धा के स्टैचू को तोड़ करके गिरा दिया गया था। ये बहुत आतंकवाद था। किस प्रकार की बातें करते हैं आप? ये वैचारिक दोहरापन ठीक नहीं है। अब समय आ गया है, अंग्रेजी में कहते हैं यू शुड कॉल अ स्पेड अ स्पेड। आप स्पेड को स्पेड बोलिए ना। इस्लामिक फंडामेंटल टेररिज्म, रेडिकल इस्लामिक थॉट एक समस्या है, एक वैश्विक समस्या है। अब पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए आप कब तक इससे भागेगा? पॉलिटिकली करेक्ट होने का जमाना अब नहीं है। हम लोगों ने देखा है कि वो चाहे 9/11 हो, मुंबई हो, भारत तो विक्टिम रहा है। भारत कई वर्षों तक इसका एक बहुत बड़ा विक्टिम रहा है। उसके बावजूद भी आप लोग अपने आंखों के सामने ये पूर्वाग्रह का चश्मा पहन लेते हैं। ये प्रेजुडिस, ये पूर्वाग्रह, ये ठीक नहीं है। ठीक है, आशुतोष हाथ उठा रहे हैं, लेकिन आशुतोष के बाद में जाऊंगा, सीधे चलता हूं क्योंकि उनका फोन कटा हुआ है। आशुतोष, आपका फोन कटा हुआ है, सीधे विवेक श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, दीपक, मैं आपकी बात को सुन सकता हूं? मैं एक एक कमेंट सबका ले लूं, फिर मैं आपके आऊंगा। बहुत बहुत समय है आपका डिस्कशन में और मैं आपको पूरा समय दूंगा। विवेक श्रीवास्तव जी, मुझे बताइए, 9/11 करने वाले क्या इस्लामी जिहादी नहीं थे? 26/11 करने वाले क्या इस्लामिक जिहादी नहीं थे? 7/7 करने वाले क्या इस्लामिक जिहादी नहीं थे? जिन लोगों ने फ्रांस के अंदर कत्लेआम किया, क्या वो इस्लामिक जिहादी नहीं थे? जिन लोगों ने ब्रसेल्स में विस्फोट कराया, क्या वो इस्लामिक जिहादी नहीं थे? कब तक बचेंगे इस्लामिक आतंकवाद के शब्द से, और कब तक पार्टी आपकी आतंकी सोच, जिहादी सोच वाली मानसिकता को कवर फायर देती रहेगी? आप सुनिए, जी देखिए, कोई जिहादियों के साथ नहीं है, ना कोई इस्लामिक टेररिस्ट के साथ है। द बिगेस्ट टेररिस्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड इज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सबसे बड़ा टेररिस्ट स्टेट अमेरिका है। चीन जो इगर मुसलमानों को तोप से उड़ा देता है, वो क्या है? मिली वो विश्व शांति है? 25 साल ये चीन जो इगर मुसलमानों को अपने नागरिकों को तोप से उड़ा देता है, क्या वो विश्व शांति है? क्या वो विश्व शांति है? मुझे बताइए ना, जवाब दीजिए इसका। मेरा नैरेटिव मत बनाइए प्लीज आप। ना, आपका नैरेटिव नहीं बना रहा हूं, काउंटर सवाल पूछ रहा हूं।